स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहले से हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। हर बार क्वेश्चन लिखना कॉपी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए पहले से क्वेश्चन लिख करके रखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर एक है, एनसीईआरटी बुक का। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण यानी बी कोण जो है 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट में है साइन ए कॉस ए, सेकेंड में है साइन सी कॉस सी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में इनमें से वैल्यू मान ज्ञात कीजिए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, कौन बी समकोण हो। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। बी कौन समकोण यानी 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं बी। ये बी कौन समकोण बोल रहा है, समकोण ये मतलब कि 90 डिग्री इनमें, और इसका नाम ए रख देते हैं, ए बी सी इसका नाम सी रख देते हैं। इस कोण का मान और इस कोण का मान ये बोल रहा है साइन ए कॉस ए, यानी कि कोण ए के लिए एक बार मान निकालना है साइन ए और कॉस ए लगा करके कोण ए के लिए, और कोण सी के लिए भी निकालना है साइन सी कॉस सी के लिए, सी कोण के लिए निकालना है। यानी पहले इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दिया हुआ है गिवन है, बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये है, और बी सी इज इक्वल टू ये यानी कि 7 सेंटीमीटर, बी सी ये है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये कर्ण मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे दिया है, सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पर लिखिए। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन ये चीज़ निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका यही है कि पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसको जो एंगल नहीं दिया हुआ है, जो भुजा नहीं दिया उसको पहले निकालिए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एसी निकालते हैं, एसी एसी इज इक्वल टू क्या होगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एसी निकाल रहे हो तो एसी अंडर रूट किसका, इन दोनों का, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे। अब ए बी का जो वैल्यू है इसमें लिखेंगे, ए बी का कितना है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 का वैल्यू रख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करके कितना आ रहा है स्क्वायर करके, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 प्लस 749, यहाँ पर साइड में 24 × 24 कर लेना, जो आएगा यहाँ पर वैल्यू लिख देना 24 × 24 करके, उनको पहले से याद है इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 24 का स्क्वायर इतना है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, ऐड कर लेते हैं तो 625 आ रहा है, 625 रूट से बाहर होगा तो क्या रूट बाहर होगा, किसका रूट है ये 25, ए सी का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया, 25 × 25 = 625। अब निकालेंगे, फर्स्ट में बात करते हैं क्या मान रहा है, साइन ए यानी कि साइन ए कौन ए के लिए बात कर रहा है, साइन ए कौन ए के लिए बात कर रहा है, और ये कॉस कॉस ए। सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा यानी कौन ए के लिए, तो कौन ए के लिए इसके सामने जो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर इसमें क्या बनेगा बी सी, हाइपोटेनियस ए सी ऐसे कुछ होगा, इसका वैल्यू रख दो, बी सी का वैल्यू कितना है 7 और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, कितना निकला है 25, तो 25 ये आपका निकल गया। इसी तरह से इधर हम कॉस ए का मान निकालते हैं,
कॉस ए, ए के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार इसमें से क्या बन रहा है, कौन ए के लिए आधार ये हो गया, ये हो गया कौन ए की बात कर रहा है, ए है कौन ए, आधार इसका ये बन जाएगा ए बी, ए बी अपॉन कर्ण ए सी। वैल्यू पुट करेंगे 24, ए सी का कितना है 25, ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ से। सेकंड में है साइन सी, साइन सी, सी कौन के लिए आप बात करते हैं, इधर साइन लगा रही है कौन सी के लिए, तो कौन सी के लिए क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ये बन रहा है परपेंडिकुलर ए बी, और कर्ण की बात कर रहे हैं कर्ण आपका ए सी। वैल्यू रखो पुट करो 24 अपॉन कितना आ गया, ए सी का 25 दिया हुआ, ये वैल्यू आ गया। और इसी तरह से हम कॉस सी के लिए बात करते हैं, कौन सी के लिए बात क्या होगा, कॉस इसमें बेस कॉस सी की बात करेंगे तो इसमें आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण कॉस में, तो आधार आपका बी सी हो गया और कर्ण आपका ए सी हो गया। बी सी का जो वैल्यू है वो रखें और ए सी आपका 25 दिया हुआ, ये आपका टोटल आंसर आ गया यहाँ से सॉल्यूशन। जी अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले से लिख रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, आकृति 8.13, यानी इस आकृति की बात कर रहे हैं, 8.13 आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, टेन पी माइनस कॉट आर इस आकृति से निकालिए। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, ये इस आकृति में ये चीज़ दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। आपको जो दिया हुआ है इसमें से ये वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। और चलिए अब बात करते हैं इसको, क्या चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी सबसे बड़ी भुजा पी आर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का, अब इसका वैल्यू रखते हैं, पी आर का वैल्यू जो दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस, और पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, इसको वैल्यू निकालते हैं, 13 × 13 का स्क्वायर, यानी आप अगर नहीं जानते हैं तो 13 × 13 कीजिए, आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, और 12 × 12 कीजिए, जो वैल्यू है आप आ जाएगा। यह आप यहाँ से निकाल सकते हो, 169 − 144 करेंगे, आपका जो वैल्यू आ रहा है 25 किसका रूट बाहर आता है, 25 का 5 आएगा, 5 आपका वैल्यू आ गया, क्यू आर का जो वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर यानी कि ये वाला टर्म जो आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के लिए टेन पी माइनस कॉट आर बराबर, यानी कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में आप नहीं जानते हैं तो लिखिए, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन पी बाय बी बेस, यानी आधार, परपेंडिकुलर पी के लिए बात कर रहे हैं, कौन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, क्यू आर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो क्यू आर अपॉन बेस, बेस इसके लिए क्या बन रहा है, पी के लिए कौन, ये पी क्यू, तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना आएगा, चलिए ये चीज़ यहाँ नहीं लिख करके इसके सीधा हम लिखते हैं, टेन पी का वैल्यू ये चीज़ आ गया है क्यू आर इस फिगर से,
अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर, यहाँ लिखेंगे कॉट आर के लिए आपका क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए कॉट बोल रहा है, आर कोण के लिए तो बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर यानी टेन का उल्टा, तो बेस बेस इसमें क्या बनेगा, बेस इसका आपका यही बनेगा क्यू आर। फिर से यहाँ लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी पी फोर परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी कि सेम आ गया है क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब इसका जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, फाइव आया है अपॉन उसका पी क्यू का जो वैल्यू आया है पहले से दे रखा है ट्वेल्व माइनस, इसमें भी सेम है सेम है तो फाइव अपॉन ट्वेल्व क्या हो गया, ये कैंसिल कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया, यही बोल रहा था ये निकल गया कट करके जीरो।